बेटा बेटा बैठोगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक पर, उसकी सारी तैयारियाँ। तो चलें शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। ये रिफ्रेशमेंट के लिए लेकर जा रही हैं अम्मी, चिप्स हैं, इसके अलावा टिक्किया जो बनाई थी बाजी ने वो लेकर जा रहे हैं हम लोग। और बाकी सारा सामान जो है वो सेटिंग करके रख लिया था, कूलर है और दरिया हैं। बाकी जो नाश्ते के लिए जो है ना, ये आटा वगैरह गूंद के रख लिया क्योंकि अभी नाश्ता भी बनेगा। और हम लोग उठ गए थे 3 बजे, तो क्योंकि सुबह जो है ना सारा अरेंजमेंट करना था, ये सारी सेटिंगें करना थी, तो सुबह 3 बजे उठ गए थे। बाकी कुछ सेटिंग तो हमने रात से करके रख ली थी, बस खाना बनाने का जो काम था ना वो हमें सुबह ही करना था। तो आटा इसलिए जल्दी जल्दी जो है अभी सुबह गूंद के रखा है। तो ये देखें, ये बाजी जो है ना अभी उसके लिए मेरे ख्याल से स्टू के लिए जो है ना प्याज लाल कर रही है, तो लंच में स्टू होगा। इसके अलावा ये बिरयानी का मसाला बाजी ने बनाया हुआ है, तो बिरयानी का मसाला होगा। और फ्रूट में हम लोग लेके जा रहे हैं सेब हैं, सेब तो खैर थोड़े से जाएंगे और मैंगो ज़्यादा जाएंगे, मैंगो ज़्यादा लोग खाते हैं तो वो मैंगो वो अम्मी ने ज़्यादा रखे हैं। और ये देखें, ये बिरयानी जो है इसका मसाला बाजी ने, मतलब ये राइस वगैरह तो बॉयल कर लिए थे, अब इसको तेल लगा रही है बाजी। बाकी ये जो है ना मतलब इस तरह से लेके जाएंगे, और हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं सिलेंडर, तो ये तेह वगैरह लगा के इसको ले जाएंगे। और दम जो है ना वहाँ खाने से पहले तकरीबन 10-15 मिनट पहले जो है हम लोग फिर वहीं पर दम देंगे। तो बाजी ने इस तरह से ये 2 कनी के मतलब चावल बॉयल किए हैं, ताकि बाकी जो है ना दम के उसमें जाके ना दम में लगा के जो है पूरे हो जाएंगे। तो ये अभी तेह लगा रही है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह जो है अम्मी ने पहले कहा था कि ऑर्डर दे देते हैं वहाँ से हम लोग बिरयानी वगैरह का, तो लेकिन है ना वो फिर ये होता है कि सुबह के टाइम है ना थोड़ी सी मतलब मिलना ये था कि वो लोग भी रात में बना के रख देते हैं, तो फिर अम्मी ने कहा कि नहीं हम लोग जो है ना सुबह खुद ही अपने घर में अरेंजमेंट कर लेंगे बिरयानी का। तो ये इस तरह से बिरयानी की देख तैयार हो रही है घर के अंदर ही। तो ये जो है अभी बाकी सामान मैं दिखाती हूँ, ये सामान आ गया, पलंग जो है अम्मी के लिए जा रहा है और पानी के कैन हैं। इसके अलावा ये बास्केट में भी हमने कुछ सामान रखा हुआ है, और बास्केट के अंदर जो है ना वो गिलास वगैरह हैं और प्लेटें हैं, टिश्यू बॉक्स हैं और नमक रखा हुआ है, कप हैं और प्लेटें हैं। अच्छा, इब्राहिम को जो है ना सुबह हमने रात में कहकर मतलब सोए थे कि सुबह उठ के रोना नहीं है, तो वो सुबह आराम से उठ गया, और एक खुशी भी होती है पिकनिक पर जाने की, तो वो सुबह जल्दी उठ गए। हम उठ गए थे 3 बजे, लेकिन काम करते करते अब देखें 4:30 का टाइम हो गया है, और अभी ये देखें अंधेरा अंधेरा भी हो रहा है। अभी थोड़ा सा मतलब टाइम और गुजरेगा तो हल्का सा उजाला हो जाएगा। और बाजी ने तैयार कर लिया है स्टू, ये उसके लिए ले जाने के लिए लंच के लिए। इसके अलावा जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए जो कीमा तैयार हुआ है, ये ब्रेकफास्ट के लिए है कीमा। तो इसमें थोड़ा मैंने बाजी से कहा था मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, ताकि बाकी चीज़ें मैं खाऊं ना खाऊं, कीमा मुझे पसंद है तो मैं कीमा जो है ना वो अपना खाऊंगी, तो इस वजह से जो है ना इसमें थोड़ी मतलब मिर्चें कम होंगी। और ये पराठे तैयार हुए हैं, ये भी ब्रेकफास्ट के लिए हैं। तो ये उरुज तैयार कर रही है, उरुज को कहा था कि तुम सुबह पराठे वगैरह बना लेना, और अंडे जो हैं इसी के ऊपर मतलब अंडे जो हैं वो तल के रख लिए जाएंगे। तो हम लोग जो है ना स्टे कहीं बीच में करना नहीं है, नाश्ता जो है हम करेंगे अपनी कोस्टर में ही, मतलब आधा रास्ता गुजर जाएगा। तो अम्मी कह रही थी अभी जैसे हमारा 5 बजे का टारगेट है, 5 बजे निकलेंगे तो रास्ते में जो है नाश्ता कर लेंगे 7 बजे तक। तो ये अंडे पराठे इस तरह से बनाए हैं, इसको फोल्ड करके जो रख लेंगे और फिर रास्ते में आराम से नाश्ता करेंगे, क्योंकि इस टाइम जो है ना सुबह के टाइम नाश्ता होता नहीं है जल्दी किसी से। ये थरमास में चाय वगैरह मम्मी ने सेटिंग की थी, तो ये चाय के थरमास जो है वो भर के जो है पैकिंग करके रख रही हैं। और देखें 5 बजे का टाइम था, 5:30 के करीब अब होने वाला है, अब हम लोग जो है निकल रहे हैं, मतलब कोस्टर में बैठ गए हैं सब। हमारा टारगेट था तकरीबन 5 बजे निकलने का, लेकिन काम करते करते जो है ना 5:30 का टाइम हो गया, और ये देखें हल्का हल्का सा उजाला भी आ गया है। तो अभी मतलब गाड़ी में बैठ रहे हैं, बस अब निकलेंगे जल्दी से। चले स्टार्ट हो गया है हमारा सफ़र। तो सफ़र के दौरान जो जो मतलब बीच में अगर कोई चीज़ नज़र आती है तो वो मैं सफ़र के दौरान आपको दिखाती रहूँगी। इसके अलावा जो है ना ये देखें अभी हम पेट्रोल पंप पे जो है ना इन्होंने कोस्टर रोकी है, यहाँ से पेट्रोल
जो है वो डलवा रहे हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, बीच में आगे शायद कोई पेट्रोल पंप ना आता हो, तो इस वजह से इन्होंने जो है यहीं पर पेट्रोल डलवा लिया है सारा। और अब देखें उजाला भी काफ़ी होता जा रहा है, क्योंकि तकरीबन टाइम हो गया है अब 6 बजे का, तो उजाला भी काफ़ी हो गया है। और ये हमारा सफ़र चल रहा है इस तरह से, गाने लगे हुए हैं कोस्टर में, तो गाने वगैरह भी सुन रहे हैं सब और इंजॉय कर रहे हैं सारे अभी तो बैठ के आराम से। तलबशा भी बैठी हुई है। तलबशा थोड़ी देर से उठी थी सोकर, और इब्राहिम जो है ना थोड़ा जल्दी उठ गया था सोकर, तो अब तलबशा। मैं हाँ उठी थी पहले। हाँ पहले तुम उठी थी। अच्छा वो इब्राहिम पहले नीचे आया था, तुम तैयार हो रही थी। हाँ मैं तैयार हो रही थी। अच्छा और मज़ा आ रहा है, गाड़ी में हम बैठे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और क्या करोगी अब वहाँ जाके? और अभी वहाँ जाके हम नहाएंगे। हाँ अभी नाश्ता करोगी गाड़ी में? अभी गाड़ी में नाश्ता करेंगे। क्या खाओगी? अंडा 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 और हाँ, और कीमा नहीं कीमा खाओगी? कीमा भी पियूंगी कीमा भी खाओगी? और चाय पियोगी या नहीं? थोड़ी सी। थोड़ी सी पियोगी? और मज़ा आ रहा है, तुम तो एक गाने भी कूल। चल रहे हैं। गाने भी चल रहे हैं। तलबशा जो है वो सॉन्ग के ऊपर जो है ना वो कर रही है डांस, बैठे बैठे ऐसे स्टेप कर रही है, तो मैंने उसकी पीछे से वीडियो बनाई है। लेकिन वो गाना इसमें जो है ना कॉपीराइट की वजह से जो है ना मैं मतलब उसको मुझे साइलेंट करना पड़ रहा है, वो सुना नहीं सकती इसमें। पूरी सीट लेके बैठी हुई है तलबशा, किस मैं नहीं बैठी हुई। एक सीट पे पूरी बैठी नहीं हो और किसी को भी नहीं दे रही? वापसी में तो मैं सोऊंगी। वापसी में सोगी ना, अभी तो जाने की बात हो रही है ना, अभी तो तुम बैठी ऐसी पूरी सीट एक लेके बैठ गई है तलबशा, और बराबर में दूसरी सीट पे किसी को भी नहीं बैठने दिया तलबशा ने। मम्मा अभी बैठी हुई ना। हाँ लेकिन तलबशा का यही था कि बस मैं विंडो के पास बैठूंगी, इसलिए तलबशा है ना विंडो के पास बैठ के सारी चीज़ें देखती हुई जा रही है। ये डॉगी है ना ब्लैक कलर अब जरा नहीं चाहिए, ये रहा कौन सा है जर्मन शेफर्ड है यासिन, कौन सा नस्ल देखे हो ना मैं तुम बता तुम्हें इस पर शाम तुम भी लाना अभी तो वहीं से ही आ रहा है। अबे फिर मैं कहाँ बैठूंगा तुम्हारे पास? अच्छा सारी मालूम आते और अब जो है ना नाश्ते का टाइम हो गया। मैं तो बाजी से कह रही थी, तकरीबन 6:30 बजे से बाजी से कह रही हूँ नाश्ता निकालो, बाजी ने कहा अभी 7 बजे तक निकालते हैं, तो बाकी तो किसी को शायद भूख नहीं लग रही, सब खामोश बैठे हैं। मैंने कहा बाजी मुझे तो भाई भूख लग रही है, तो मैंने फिर सबसे पहले जो है ना बाजी ने मुझे नाश्ता निकाल के दे दिया। और बाकी अब ये लोग सब कर रहे हैं, ये जो है ना हम लोग वो प्लेटें तो लाए हैं, लेकिन जो है ना बाद में जो है ना वापसी पे जाके जो परेशानी होती है ना बर्तन धोने की, तो थोड़े से हम लोगों ने ये इस तरह के मतलब जो बॉक्स वगैरह होते हैं ना वो रख लिए हैं, ताकि ये हम लोग वहीं खा कर और इनको वहीं पर ज़ाया कर देंगे, वापसी लाने का नहीं होगा मसला ज़्यादा बर्तन। तो उरुज को यही था कि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं वापसी पर तो फिर धोने का मसला होता है, तो इस तरह के हम लोगों ने बॉक्स रख लिए हैं, तो अभी नाश्ते में ये बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी कोस्टर यहाँ रुकी है, तो बर्फ़ वगैरह मतलब ले रहे हैं आइस बॉक्स के लिए, कूलर के लिए, तो वो यहीं से अभी भाई जो है ना वो ले रहे हैं, तो अभी कोस्टर रुकी हुई है और तलबशा और बच्चे जो हैं वो नीचे उतर गए हैं। और ये ठट्टा से जो है ना रोटी लेंगे, क्योंकि सब कुछ बना लिया था लेकिन गैस का इतना इशू था तो रोटी तो बना नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, तो यही डिसाइड हुआ था कि ठट्टा पे रुकेंगे और वहाँ से रोटी ले लेंगे। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं और रोटी बन रही है गरम गरम, तो वो अभी भाई जो है वो लेकर आएंगे, तो फिर आगे हमारा सफ़र स्टार्ट होगा दोबारा। यहाँ पर जो है ना नाश्ते का मतलब सेटअप भी किया हुआ है, तो कुछ फैमिलीज यहाँ पर बैठी हुई हैं नाश्ता कर रही हैं, लेकिन हम लोग जो है ना हमने क्योंकि कोस्टर में ही अपना नाश्ता कर लिया था, तो हम लोग नीचे उतरे नहीं हैं, बाकी बच्चे वगैरह भाई आई जो है वो नीचे उतर कर चले गए।
अच्छा सुबह का वक्त है तो यहाँ काफ़ी ग्रीनरी मतलब नज़र आ रही है, खेत वगैरह काफ़ी है यहाँ पर, तो वो सुबह के टाइम बहुत अच्छा मतलब यहाँ का जो है ना वेदर लग रहा है और व्यू भी बहुत अच्छा यहाँ का नज़र आ रहा है। ड्राइवर ने जो है काफ़ी स्पीड दी हुई है गाड़ी को और फिर भी जो है ना हमें मतलब काफ़ी हमें लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को निकले हुए और हम लोग अभी तक अपने पॉइंट पर पहुँचे नहीं हैं। हालांकि मतलब ड्राइवर तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहा है लेकिन बस हो सकता है कि इधर का रास्ता ही इतना दूर है तो टाइम लगता है पहुँचने में। अच्छा ये कुछ पानी नज़र आया, मेरा ख्याल से करली झील से ही कोई पानी आ रहा होगा तो बच्चे समझे हमारा पिकनिक पॉइंट आ गया है तो खुश होने लगे, लेकिन फिर भाई ने बताया नहीं अभी तो वो दूर है ये किसी और मतलब कहीं और के लिए पानी जमा किया हुआ है इन्होंने शायद यहाँ पर, तो अभी हमारा पॉइंट आया नहीं है कि यहाँ पर एक दो दिन पहले बारिश भी हुई है ड्राइवर बता रहे थे हमें, और मौसम इधर का मतलब बादल हैं बहुत ज़्यादा तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का मतलब व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है बादलों की वजह से, मतलब अब देखें आगे जाके हमें बारिश मिलती है या नहीं मिलती, और बस अभी तो हम लोग जो हैं देखें कितनी देर लगती है। अब तो इब्राहिम भी परेशान हो गया, बाबा से बार बार पूछ रहा है कि कितनी देर है हमें पहुंचने में, तो काफ़ी टाइम हो गया मतलब काफ़ी लंबा रास्ता है यहाँ का। यहाँ के रास्ते जो है ना थोड़े मुश्किल हैं तो यहाँ पर मतलब अगर कोई आए तो वो किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ आएँ जिनको यहाँ के रास्ते पता हैं, वरना मैंने देखा है कुछ लोग जो है ना यहाँ मतलब पहुँच के रास्ता भूल जाते हैं, तो मतलब जो एक्सपर्ट हो जिसको यहाँ के रास्ते की मतलब मालूमात हो नॉलेज हो तो वो ऐसे ही ड्राइवर के साथ मतलब यहाँ का सफ़र करें, वरना फिर वो एक डेढ़ घंटा या दो तीन घंटे ऐसे ही रास्ता ढूँढने में गुजर जाते हैं और टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि वैसे ही यहाँ का रास्ता काफ़ी लंबा है, तो वो टाइम की बचत के लिए है कि किसी एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे कोई पंपिंग प्रोजेक्ट भी तैयार हो रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा। बस हम अब पहुँचने ही वाले हैं, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता रह गया है यहाँ से, ये प्रोजेक्ट से बता रहे हैं 10 मिनट का रास्ता है। हम पहुँच गए हैं अभी जो है ना अपने पॉइंट पर और बच्चे तो पानी देखकर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को रोका है अभी क्योंकि अभी हट्स वगैरह देखेंगे, ये जो छोटे छोटे से हट्स बने होते हैं ना करली झील पर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर ना ज़रा कम नज़र आ रहे हैं, तो अभी भाई जो है हट वगैरह कर लेते हैं तो उसकी बात हो गई है शायद, अब सामान नीचे उतारा जा रहा है, सामान नीचे उतरेगा सामान सेटिंग होगा और फिर जो है ना बच्चे तो बस मान नहीं रहे, कह रहे हमें कुछ नहीं हमें बस पानी में जाने दो, तो अभी बच्चों को बहुत मतलब रोका हुआ है और अब सारा सामान जो है ना सेटिंग करेंगे हट के अंदर। बाकी जो लोग नाश्ते से रह गए थे मतलब कोस्टर में जिन लोगों ने नहीं किया था या चाय वगैरह नहीं पीती तो वो लोग अब यहाँ पर जो है ना नाश्ता करेंगे और चाय अपनी पियेंगे, और बाकी मतलब जिसको अभी जो खाना है ताकि क्योंकि फिर पानी में जाएंगे ना तो थोड़ा मतलब बैठेंगे पानी में या इन्जॉय करेंगे स्विमिंग करेंगे वो चीज़ें हैं, तो अम्मी ने कहा कि जिसको अभी खाना पीना है वो अभी खा पी ले फिर उसके बाद लंच में ही कुछ खाएंगे, तो इस तरह से सेटिंग की है सारी। और यहाँ पर मैंने देखा है हट वगैरह मतलब बहुत कम है, करली झील पर जैसे मतलब ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर कम है, लेकिन हमें मिल गया है हट और ये तकरीबन 2000 से 2500 तक इधर के रेट हैं इन हट के जो जी छोटे छोटे से बने होते हैं, बाकी देखते हैं पानी तो साफ़ सुथरा है यहाँ का। और सरबशा और हलीमा आ गई हैं दोनों, अभी जाएंगी पानी में है ना, हलीमा पानी में जाओगी अब, दोनों अभी पानी में जाएंगी और इब्राहिम भी जाएगा, इब्राहिम आप भी उस तरफ खड़े हो, हाँ आप पहले उधर खड़े हो, नहीं अभी बाद में जब सब जाएंगे जब जाना है, ए इधर आओ इधर आ जाओ, हमें नाम करेंगे, हमें देखो जो पानी जाएगा।
सामान जो है वो सेट कर लिया है, जो मतलब आइस बॉक्स वगैरह थे और जो थर्मास हैं और सारी चीज़ें मतलब सेटिंग से कर दी हैं, हट पे रखवा दिए। हवा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, मतलब प्रेशर से आ रही है तो शोर भी इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ठंडी हवा है तो वो अच्छा लग रहा है एक तरह से। वो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं अपने जो है ना, मतलब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और भाई ने नाश्ता नहीं किया था, तलबशा ने भी थोड़ा शायद कम किया था, तो तलबशा भाई और सिस्टर ने कम किया था। वो सिस्टर ने, एक सिस्टर ने तो किया ही नहीं, अम्मी ने भी नहीं किया था कोस्टर में नाश्ता, तो वो सब लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं। बाकी मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी, मैंने तो नाश्ता कर लिया था कोस्टर के अंदर, मुझे भूख लग रही थी तो बस मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जाएंगे हम लोग पानी की तरफ। इब्राहिम को तो बहुत ज़बरदस्ती रोका हुआ है, इब्राहिम बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, बस कह रहा है मुझे पानी में छोड़ दो, तो उसको रोका हुआ है। और सबसे पहले जो है ना यासीन और ये शानदा, ये लोग जो हैं पानी में एंट्री कर रहे हैं, जा रहे हैं। और यासीन भी बहुत ज़्यादा पानी का मतलब कीड़ा है, तो उसको जो है ना उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वो तो अंदर जा रहा है पानी। पानी यहाँ का ना बिल्कुल साफ़ सुथरा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं अंदर, लेकिन मतलब ये कि लोग अभी कमी है यहाँ पर, इतने ज़्यादा नहीं है, और अच्छा मतलब इंजॉय के लिए अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। और बच्चे तो मतलब पानी देख के वैसे ही नहीं मानते और एकदम से पानी के अंदर इंटर होते हैं, तो बच्चों के लिहाज से भी अच्छा है। बस ये कि थोड़े पत्थर वगैरह होते हैं, तो इसके लिए ये होता है कि शूज़ पहन कर जाएँ या कोई अपने स्लीपर्स वगैरह पहने और फिर उसके बाद पानी के अंदर इंटर हों, तो अच्छा है इंजॉयमेंट के लिए ये जगह अच्छी है। हवा जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर, मतलब प्रेशर से आ रही है तो शोर भी इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत ठंडी हवा है तो वो अच्छा लग रहा है एक तरह से। वो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं अपने जो है ना, मतलब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर ये टायर वगैरह मिलते हैं जिसमें बैठ के मतलब अंदर स्विमिंग, जो मतलब लेडीज़ तो अंदर जा नहीं सकती ज़्यादा पानी में, तो वो लोग टायर पर बैठ कर ही इंजॉय कर लेती हैं, आगे तक चली जाती हैं टायर में बैठ कर। तो इस तरह से यहाँ पर टायर हैं, और ये तकरीबन पूरे अगर दिन का लेंगे तो 500-600 इस तरह से इनके रेट होते हैं एक टायर के, जो बड़ा वाला होता है। छोटे वाले के मेरे ख़्याल से 400 इस तरह से होंगे। तो इधर ये भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे, तो जिनको लेना होता है वो यहाँ से पर इसको ले लेते हैं, मतलब 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए जैसा इनका रेट होता है उस हिसाब से इसको लेते हैं यहाँ पर लोग। अच्छा, हम लोगों ने ना बच्चों के लिए ये मतलब लाइफ जैकेट्स होती हैं जो बच्चों की, तो वो रख ली थी। इसके अलावा जो है छोटी छोटी डक्स होती हैं छोटे बच्चों के लिए, तो वो भी रखी हैं ताकि बच्चे इसमें बैठ के इंजॉय करेंगे, इब्राहिम और हलीमा और अब्दुल हादी वगैरह और तलबशा। ये 4 बच्चे जो है ना इन छोटी मतलब डक वगैरह में बैठेंगे, टायर में बैठेंगे। मेरी ये वीडियो है ना थोड़ी लेंथी हो गई है, तो जो हम लोग बोट वगैरह में बैठे हैं, जो लंच किया है और जो पानी में मतलब स्विमिंग वगैरह की है, तो वो मैं नेक्स्ट मेरा पार्ट आएगा इसी वीडियो का तो उसमें दिखाऊंगी, तो वो काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा मेरे इस वीडियो के पार्ट 2 को। बाकी मेरी ये वीडियो जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।